जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो कौन सी है, वो है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में जो डिटेल्स है उसे हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सब के लिए जीएस का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप जूनियर पीसीएस या फिर किसी भी सिविल सर्विस या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसको डिटेल में देखिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, जो फैक्ट्स हैं और जो पूछे गए प्रश्न हैं उसमें है, मैंने इंक्लूड किया है। साथ ही कुछ कुछ नई चीजों को भी ऐड करने की कोशिश की है, बहुत टाइम लगा इस सबको कलेक्ट करने में। खैर चलिए आते हैं हम पॉइंट्स पर, जो कि है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आपने कई बार ये बुक पढ़ी होगी, लाइट ऑफ एशिया, पूछा जाता है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड एक बुक है जिसको कि किसने राइट किया था, तो सर एडविन अर्नॉल्ड ने किया था। अर्नॉल्ड एक राइटर हैं जो कि इन्होंने लाइट ऑफ एशिया लिखा था बुद्ध के पूरे जीवन के बारे में। इसके संस्थापक कौन है बुद्ध धर्म के, तो गौतम बुद्ध जी हैं। ठीक है, इनका जन्म कब से कब तक माना जाता है, तो 563 बी ईस्वी से लेके 483 तक ये जीवित रहे थे, यानी पूरे 80 साल इन्होंने अपनी जीवन लाइफ बिताई थी। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये कपिला वस्तु जो है जगह, और कपिला वस्तु कहाँ पे, लुम्बिनी में। और ये लुम्बिनी है कहाँ, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, नेपाल के अंदर, नेपाल और यूपी के बॉर्डर के पास में ही है लुम्बिनी, इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको भी पॉइंट आउट रखिएगा। ठीक है, इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता कौन थे, सुधोधन इनके पिता थे, तो सुधोधन याद रखिएगा। और ये कहाँ के मुखिया थे, तो ये शाहगढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता का नाम क्या था, तो माया देवी इनकी माता का नाम था, जो कि इनको जन्म देने के 7वें दिन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, माया देवी। तो इनका लालन पालन किसने किया था, तो गौतमी जो प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी, उन्होंने इनका देखभाल किया। और ये इनकी दूसरी माता है, और ये पहली ही व्यक्ति थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था एज ए फीमेल। महिला अगर पूछेगा तो गौतमी ने ही सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, अगर इनके बचपन का नाम पूछे तो आपने बुक पढ़ी होगी कई बार, 6th क्लास में भी है एनसीईआरटी सीबीएसई के अंदर। ठीक है, तो इनके बौद्ध बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अभी हमने सिद्धार्थ जो है वो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, महावीर जो थे, महावीर उनके पिताजी का नाम भी था, तो इनका नाम बौद्ध का ही था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये इनके पिता का नाम है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, याद रखिएगा। और उनकी पत्नी का नाम क्या था महावीर की, तो महावीर की थी यशोदा, यशोदा और यशोधरा अंतर है। ठीक है, यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, किसके, गौतम बुद्ध जी की। उनकी बेटी हुई थी, इनको बेटा हुआ था, उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शनी और इनके बेटे का नाम राहुल, याद रखिएगा। ठीक है, जब ये सैर पे जा रहे थे, जब ये जन्म लिए थे, कहानी है कि जब ये जन्म लिए थे, तब जन्म लेने वाले थे, तो इनकी माता ने एक सपना देखा था जिसमें कि हाथी कमल ऐसे कुछ देखा था। तो जब बड़े बड़े स्कॉलर्स को बुलाया गया, पुरोहितों को बुलाया गया, तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि या फिर ये व्यक्ति जो मनुष्य है वो सन्यासी बन जाएगा, या फिर ये बहुत बड़ा क्या बनेगा, योद्धा बनेगा जो पूरे यूनिवर्स पे या फिर पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। तो उनके पिताजी बहुत ज्यादा डर गए थे, तो इन्होंने बहुत जल्दी ही इनकी शादी करा दी, इनको एक बेटी बेटा भी पुत्र पैदा हुआ, राहुल उन्होंने नाम रखा इसका। और ये जब पहली बार ट्रैवल करने के लिए अपने राज्य में निकले, तो उनके पिता ने बहुत ही अच्छे से सारे चीजों को क्लियर करा दिया था, लेकिन फिर भी कुछ व्यक्तियों से उनकी भेंट हो गई। जैसे सबसे पहले क्रम पूछता है, सबसे पहले इन्होंने इनको एक बूढ़ा व्यक्ति देखने को मिला, तो अपने सारथी से पूछते हैं ये कौन है। फिर एक बीमार व्यक्ति भी देखने को मिला, याद रखिए सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति से मिले, फिर बीमार व्यक्ति से, उसके बाद एक शव को ले जाते हुए देखे, और फिर लास्ट में एक सन्यासी को देखे। ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है कई बार, ये चार दृश्य देखा था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जब ये घर आए तो बहुत परेशान हो गए,
और परेशान होने के बाद फिर इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ये सब छोड़ देना है, सब त्याग देना है। तो ये गृह त्याग कर दिए, यानी अपने घर को छोड़ दिया, अपने बच्चे अभी जन्मे अभी जस्ट जन्म बॉर्न बीबी को छोड़ दिया, ठीक है, कुछ समय हुआ था, अपनी पत्नी को छोड़ दिया जो कि विश्व की सबसे सुंदर स्त्री थी, ठीक है। और कितनी एज थी इनकी, मात्र 29 थी, और उनकी एज कब थी, 30। तो ये कंपेरिजन करते हुए चलिएगा, ठीक है। और जब ये गृह त्याग कर दिए तो इसे क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। फिर जब ये गए तो इनको प्रथम गुरु जो मिला वो कहाँ पे मिला, वैशाली के अंदर। उनका नाम क्या था, अलार कलाम, कलाम जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं के नाम से याद रखिएगा, अलार कलाम। और इन्होंने इनको कौन सी शिक्षा दी थी, याद रखिएगा, इन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन दिया था। उसके बाद फिर जब ये सांख्य दर्शन का ग्रहण कर लिए, उसके बाद, और सांख्य दर्शन किससे प्रभावित, जैन धर्म भी प्रभावित है और बौद्ध धर्म भी प्रभावित है, ठीक है। फिर उनके दूसरे गुरु बने कहाँ पे, राजगीर में, राजगीर मतलब पटना, पाटलिपुत्र। और यहाँ पे इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, रुद्रक रामपुत्र, ऐसे याद रखिएगा, रुद्रक रामपुत्र, ये इनके दूसरे गुरु थे जो कि राजगीर में बने। फिर इन्होंने ज्ञान प्राप्त करके फिर भी इन्हें संतुष्टि नहीं मिली, ठीक है। फिर वो तपस्या वपस्या किए, फिर ज्ञान की प्राप्ति किए, और फाइनली इन्होंने उपदेश दिए पूरे वर्ल्ड को। फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई। कुशीनगर कहाँ पे है, तो ये यूपी के देवरिया में है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी आपको पता होगा कुशीनगर में ही हमारे भारत का भी और यूपी का पहला ट्रांस विश्वविद्यालय खोला गया है, ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर यूपी में ही पाए जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया कुछ करंट से रिलेटेड। अब जैसे मैंने आपको बताया इनकी मम्मी सपना देखा था कमल और षाढ़ का, तो इसीलिए ये जन्म का प्रतीक माना जाता है। ये सब प्रतीके मैच द फॉलोइंग करके पूछता है। तो जन्म का प्रतीक मैंने बता दिया, एक स्टोरी के नाम से आपको याद रखेगा। उन्होंने कमल और एक साढ़ का अपने ड्रीम देखा था, ठीक है। और गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा, जब वो घोड़े पे सवार होके गए थे। फिर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, पीपल के नीचे, जिसे कि बोधि वृक्ष के नाम से जाते हैं। और निर्वाण की प्राप्ति यानी पद चिन्ह को दिखाता है, जब उनको पद चिन्हों को दिखाएगा तो यानी इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। और मृत्यु कब, मृत्यु के लिए क्या सिंबल है, तो स्तूप जो उनके थे उन्हें मृत्यु का सिंबल्स माना जाता है। तो इसे इसी क्रम में याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं, इन्होंने जब ये गए थे, इन्होंने पांच साधक के साथ, ठीक है, यानी पांच भिक्षुओं के साथ इन्होंने तपस्या शुरू की अपनी, क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। वो कौन कौन थे, तो उनका नाम याद रखिएगा, पहले कौन थे, कौंडिन्य। फिर दूसरे कौन थे, वपा, ठीक है। फिर आपकी भादिया, फिर महानाम, फिर आपका असगामी। तो ये नाम याद रखिएगा इनका। उसके बाद ये कहाँ पे मिले थे ये पांचों साधु, तो उरुवेला में मिले थे। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये पांच साधु कहाँ से मिले थे, उरुवेला में। लेकिन उरुवेला में ये पांच साधु से मिलते हैं, इनके साथ काफी टाइम एक्सपेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो ये खुद फिर से वापस अकेले चले गए, और फिर उन्होंने कठोर तपस्या की, ठीक है, बिना खाए पिए, चलो उसको भी देखेंगे हम। और जब ये वापस आते तो इन्हीं पांच साधुओं को सबसे पहले क्या करते, उपदेश देते हैं, ठीक है। और फिर इन्हीं पांचों को क्या कहा गया, आर्य सर्मन संघ के नाम से इन्हें जाना गया, ठीक है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देखिए, अब वहां से तो निकल आए ये, इसके बाद इन्होंने कठोर तपस्या की। तो कितने वर्ष तक तपस्या की, 6 वर्ष तक तपस्या की, ठीक है, याद रखिएगा। और महावीर स्वामी ने जिसका डबल किया था, यानी 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। और इनकी एज क्या थी, तो 35 एज थी, और महावीर के अगर का याद होगा तो 42 एज में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा ये सब पॉइंट, ठीक है। इसलिए मैं कंपेयर करते हुए आपको बता रही हूँ चीजें। उसके बाद इन्हें कहाँ पे हुआ था, तो वो जो दिन था उसे हम वैशाख
पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, और इसी समय एक यहाँ पे वैशाख बुद्ध जी के नाम पे हम एक महोत्सव भी मनाते हैं, ठीक है। पूर्णिमा महोत्सव इसे कहते हैं, वो वैशाख का ही समय था। और वो नदी कौन थी, तो फुल्गी नदी थी, जिसे कि हम एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है, नरजनता नदी या फिर फुल्गु नदी। और कौन से ब्रिज था, तो पीपल का ब्रिज था। स्थान कौन सा था, बौद्ध गया, ठीक है, जैसे कहते हैं ना हम बौद्ध गया जा रहे हैं दर्शन करने, तो याद रखिएगा इस तरीके से। अब आते हैं, जब वो प्राप्त कर लिए तो ये अपना क्या करने गए, अब उपदेश दिए। तो प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया, सारनाथ भी दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, और जो प्रथम उपदेश थे वो ऋषि कौन थे, ऋषि पंथम उनको दिया, और इन्होंने वहां पे उनका ये जो उपदेश देना था वो क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। तो पूछा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन किसे संबंधित है, तो बुद्ध जी के धर्म उपदेश देने को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब भाई उपदेश दे रहे थे तो कौन सी भाषा में दे रहे थे, तो पाली में दे रहे थे। और जैन धर्म की जैन जो महावीर स्वामी थे वो उपदेश किस भाषा में दे रहे थे, प्राकृतिक या फिर अर्ध मगधी भाषा में दे रहे थे। और हमारे जो बुद्ध जी किस में दे रहे हैं, तो पाली भाषा में, ठीक है। उसके बाद फिर ये अन्य स्थान पे भी गए, जैसे कि अब अलग अलग जगह पे घूमे ना, फिर कौशल में घूमे, ठीक है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश और सबसे देर तक उपदेश दिए, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिए, सर्वाधिक उपदेश, तो आपके कौशल या श्रावस्ती जो भी आ जाए ऑप्शन है वो आंसर। फिर वैशाली में भी दिए हैं और कौशाम्बी में भी दिए हैं। कौशाम्बी सर आपको यूपी से याद होगा, कौशाम्बी पहला जिला है जो कि क्या हुआ है, कोविड फ्री पहला घोषित किया गया। चलिए आते हैं अब, और इनके अनुयायी कौन थे, जैसे हमने जैन धर्म में भी देखा था कुछ अनुयायी थे राजा, तो ये कौन थे, एक तो बिंबिसागर, ये दोनों में थे, जैन में भी थे और बुद्ध में थे, फिर प्रसन्नजीत और फिर उदयायनी, तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ये एक एज के बाद इन्हें एक एज के बाद क्या हुआ कि कहा जाता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुंदा या चुंड, ठीक है, ये एक लोहार था। तो इन्होंने क्या किया था, भोजन दिया था इन्हें, और इस भोजन को अर्पण करने के बाद, ग्रहण करने के बाद ही जो बुद्ध जी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी उन्होंने कावल्य मतलब उन्होंने अपने देह को त्याग दिया था। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, किस नाम से, महापरिनिर्वाण। ये सब याद रखिएगा, निर्वाण प्राप्त कर लिया इन्होंने तो महापरिनिर्वाण, उपदेश दिया धर्म चक्र, ठीक है, और इन्होंने जब गृह त्याग किया था तो महाभिनिष्क्रमण, इसे क्रमण क्या कहते हैं, निष्क्रमण करना, निष्क्रमण मतलब निकाल देना, तो उस तरीके से याद रखिएगा गृह त्याग करना। चलिए कुछ और पॉइंट पे देखें, फिर अब यहाँ पे देखिए, फिर मल्लों, कहा जाता है कि मल्लों ने अत्यधिक सम्मान पूर्वक बौद्ध धर्म का अंतिम संस्कार किया था। तो अगर पूछे किस ने, कौन सा ऐसा शासक था या कौन सा ऐसा वंश था जिन्होंने किया था, तो मल्लों ने किया था, मल्ल के द्वारा इनका अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान पूर्वक किया गया। इसके बाद इनकी बॉडी को 8 भागों में बांट दिया गया, इनको करने के बाद इनका अंतिम संस्कार 8 भागों में बांट दिया गया, और पूरे 8 स्तूप बनाए गए। याद रखिएगा कितने स्तूप बनाए गए, और वहां पे हमने दिखाया था महावीर जी ने 11 गणों में बांटा था, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, 8 इनके जो उपदेशक जो इनके भिक्षुक थे उन्होंने 8 भागों में इसे बांटा और 8 जगह पे ले गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये कहते हैं कि इनका जो जन्म, इनकी जन्म और मृत्यु की तिथि जो है वो किससे हमें पता चलती है, तो चाइना के परंपरागत एक अभिलेख है, क्या नाम है, कैंटोन अभिलेख के द्वारा हमें पता चलता था। अगर आपसे पूछे कि हमें किसके द्वारा पता चलता है बौद्ध के जन्म के बारे में या मृत्यु के बारे में, तो कैंटो,
उसके बाद इनकी त्रिपिटक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिरत्न अगर पूछेगा तो जैन धर्म, त्रिपिटक पूछेगा तो बुद्ध धर्म। तो ये कौन कौन से थे याद रखिएगा, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक किसे संबंधित था, तो याद रखिएगा विनय पिटक का संबंध जो है वो नियम से था, यानी इसमें विनय पिटक में क्या बताया गया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताए गए थे कि जो बौद्ध धर्म में किस क्या रूल्स होंगे। तो ये भी याद रखिएगा जो कि मेल के लिए यानी पुरुषों के लिए जो संख्या दी जाती है वो 250 थी। इतने रूल्स थे क्या, किसके लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए कितने थे, ज्यादा थे, 348 जो थे वो रूल्स किसके लिए थे, फीमेल्स के लिए थे। किसमें बताया गया है, विनय पिटक में। इसको ही हम नैतिक आचार संहिता के नाम से भी जानते हैं। फिर देखते हैं सूत पिटक। सूत पिटक में हमें जातक कहानियां देखने को मिलती है, जातक कथाएं जो देखते होगे ना आप, जातक कथाएं जिसमें कि जानवरों को एज ए मॉडल के रूप में और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक मोरलिटी सिखाई जाती है, वही कहता है जातक कथाएं। ठीक है, तो ये जातक कथाएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इसमें जातक कथाओं में कितनी स्टोरी है, तो 550 से यानी 540 से अधिक स्टोरी देखने को मिलती है। इसमें हमें शिक्षा के बारे में और उपदेश का संकलन किसमें, अगर पूछेगा उपदेश का संकलन किसमें है, आपके सूत पिटक में है। ठीक है, और विनय पिटक में नियम का या नैतिक आचरण का है। और अभिधम पिटक में क्या है, तो बुद्ध के दर्शन दार्शनिक साहित्य का संकलन है। ठीक है, यानी जहां जहां वो दार्शनिक जो भी इनके सिद्धांत थे, दार्शनिक थे, फिलॉसफी थी, उसका संकलन किसमें है, तो वो आपका अभिधम पिटक में है। और हमने देखा इनकी भाषा क्या थी, तो पाली इनकी भाषा थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखिए जो हमारे बौद्ध धर्म थे वो क्या कहते थे, पुनर्जन्म मानते थे। हमने देखा था जैन धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है। फिर ये अनिश्वरवाद थे, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। तो हमने देखा था जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, और ये आत्मा की परिकल्पना को भी नहीं मानते थे। ठीक है, किसको, आत्मा की, मतलब हमारे शरीर में आत्मा है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, ये बुद्ध कहता था कि हम इसको नहीं बिलीव करते। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि ये कॉन्सेप्ट जो था वो आपका जैन धर्म मानता था, वो कहता था कि आत्मा नाम की चीज होती है और पुनर्जन्म होता है। ये जो चीजें वो याद रखिएगा कौन किसको क्या मानता था। तो इन दोनों में बस इतना ही अंतर, बाकी तो सब कुछ सेम था, बस ये कि इन्होंने आत्मा की परिकल्पना को भी नकार दिया, लेकिन बुद्ध जो जैन धर्म था उन्होंने इसकी परिकल्पना को नहीं नकारा। फिर इन्होंने जो उपदेश दिए कि उपनिषद से एक इन्होंने वाक्य लिया कि विश्व जो है पूरा हमारा जगत जो है विश्व दुखों से भरा हुआ है। अगर ये स्टेटमेंट पूछता है कहां से मिला आपको, तो ये हमें उपनिषद में देखने को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट पूछा जाता है कई बार। इसके इनके अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया, एक को भिक्षुक कहा गया, एक उपासक। भिक्षुक कौन थे, जो कि सन्यासी होते थे, जो कि गृह त्याग बिल्कुल कुछ नहीं करना, गृह त्याग करके और बिल्कुल सन्यासी की तरह रहना, उन्हें ही भिक्षुक कहते थे। उपासक कौन थे, जो कि आपका गृहत जीवन जीते थे, मतलब घर में आपका जो जैसे मैरिज करना, चाइल्ड करना, ये सब करना वो काम करते थे, मतलब गृहस्थ जीवन सुख लोभ जो है वो करते थे। लेकिन इन्हों ये भी क्या करते थे, बौद्ध को अपनाते थे। इसके बाद तो अनुयायी होने के लिए यानी आपको एक बौद्ध बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम, ठीक है, अधिकतम तो आप कभी भी ग्रहण कर सकते, लेकिन न्यूनतम होनी चाहिए 15 वर्ष। और बौद्ध जो संघ थे उसके प्रविष्ठ होते थे उसे क्या कहते थे, उप संपदा कहते थे। और जो बिच्छुणी संघ था वो कहाँ था, वैशाली में था। ठीक है, और इसके भी त्रिरत्न है। त्रिरत्न कौन कौन है, बुद्ध धर्म धम और संघ, याद रखिएगा। पूछता है इसके त्रिरत्न में बोलेगा कौन सा नहीं है, तो पहले कौन सा है वो तो याद हो, बुद्ध धम और संघ याद रखे, धर्म नहीं है, धम है, धम। ठीक है, जैसे आप अशोक के धम्म चक्र पढ़ते हो ना, तो वही धम्म है ये। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ये जब गृह त्याग करके जब ये जा रहे थे तो कौन सी नदी का इन्होंने फिर क्या किया था, अपने सारथी को अपने सारे वस्त्र, अपने गहने और अपने बाल को भी इन्होंने काट दिया था। तो ये कई बार पूछता है एग्जाम में,
वस्त्र दे दिया, फिर कौन सी नदी किनारे इन्होंने अपने बाल का भी अर्पण कर दिया। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो बाल का अर्पण किया था वो कौन सी नदी थी, तो अनोमा नदी थी। क्या कौन सी नदी? अनोमा नदी। और जब ये घोर तपस्या कर रहे थे, 6 वर्ष की तपस्या की ना, कठोर तपस्या, तो जब कठोर तपस्या कर रहे थे तो इतने वीक हो गए थे, इतने कमजोर हो गए थे, तो इन्होंने एक लेडी के हाथ से, एक बालिका के हाथ से क्या किया था, कन्या के हाथ से इन्होंने ग्रहण किया था फूड को, यानी खाना ग्रहण कहते हैं, अन्न ग्रहण किया था। वो लड़की का नाम क्या था? सुजाता। याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में, पूछा भी गया है, सुजाता से इन्होंने क्या किया था, ग्रहण किया था खाना। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, इनकी 4 सभाएं होती है। जैसे हमने देखा था जैन धर्म में 2 ही सभाएं देखते हैं, लेकिन जो बौद्ध धर्म था इनमें हमें 4 देखने को मिलता है। ये डेट याद रखिएगा, सबसे पहला 483 में हुआ था, और फिर उसके 100 साल बाद हुआ 383 में, 383, फिर उसके बाद 255 में, फिर पहली शताब्दी में। तो सबसे पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर में। राजगीर कहाँ पे है? पटना में है। जो और राजगीर में भी कहाँ, तो सप्तपर्ण गुफा है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और कौन कराया था? तो अजात शत्रु, ये कई बार पूछा है, ठीक है, अजात शत्रु। और दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, सभा कामी इसके अध्यक्ष थे। और इसके उस समय राजा कौन रूल कर रहे थे? तो आपका काला अशोक, अजात शत्रु, काला अशोक। फिर दूसरे में पाटलिपुत्र में ही हुआ है ये, जो कि इसका राजगीर, ये भी पटना को ही कहते थे। और इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, मोगली पुत्र तिस्त। और इस समय कौन थे? अशोक। अशोक के काल में हुआ था तीसरा वाला। चौथा वाला हुआ था जो प्रथम शताब्दी में, कहाँ पे? कुंडल वन में। और कुंडल वन कहाँ पे है? कश्मीर में है, याद रखिएगा। यानी 2 पटना में हुए, एक आपके वैशाली में हुआ और एक कश्मीर में हुआ। और जो कश्मीर में हुआ उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो जिसे कि हम वशिमित्र या फिर अशोक अश्वघोष के नाम से जानते थे, ये इसके अध्यक्ष थे। और इस समय राजा कौन रूल कर रहा था? तो कनिष्क याद कर रहा था, तो इसे याद रखिएगा आजाद। जैसे इसको याद करने का क्या है? आजाद, काला अशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। आजाद, हम आजाद हो गए, ठीक है, आजाद हो गए तो हमें शोक नहीं मनाना है, ऐसे याद कर सकते। आजाद हो गए तो हमें शोक नहीं मनाना है, और अगर हम शोक नहीं मनाएंगे तो हम अशोका बन जाएंगे, मतलब अशोक, क्या अशोका जानते हैं, अशोका द ग्रेट। और अगर हम अशोक हो जाएंगे तो हमें कनिष्क जानते हो ना, जैसे तनिष्क, कनिष्क, तो कनिष्क हमें मिलेगी, यानी तनिष्क मिलेगी, यानी सोना मिल सकता है। तो इस तरह से याद रखिएगा इसे, ठीक है, याद रखिएगा। और कनिष्क के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा, ये क्या है, ये जो त्रिपिटक का पर भाष्य इन्होंने लिखा था, किसने? कनिष्क ने। तो अगर आपसे पूछे त्रिपिटक पे भाष्य किसने लिखा था, तो वो कनिष्क ने लिखा था। और जो ये चौथा वाला हुआ था ना, इसी समय जो बुद्ध का 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हीनयान कहलाया और एक महायान कहलाया। तो दोनों में अंतर क्या है? हीनयान जो है वो अंग पूजा पर, इस पे उन्होंने फोकस करते थे, ठीक है, अंग पूजा में विश्वास नहीं करते थे, मतलब अंगों की पूजा नहीं करते थे कि हमें कुछ सॉलिड कुछ दे दीजिए हम उसकी पूजा करें। और महायान देते थे वो अंगों की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, इतना याद रखिएगा, हीनयान और महायान में, ठीक। फिर उसके बाद जो हम देखा, त्योहार मनाते हैं पवित्र, उसे हम वैशाखी पूर्णिमा कहते हैं, जिसे कि हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, अभी हमने देखा था ना। और ये बुद्ध पूर्णिमा ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और गृह त्याग, ये तीनों डेट क्या है? सेम है, ठीक है, सॉरी, इनको ज्ञान की प्राप्ति, इनका जन्म और इनकी मृत्यु, ये तीनों डेट सेम है, इसीलिए इसे हम बुद्ध पूर्णिमा या फिर वैशाख पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, ये 4 आर्य सत्य दिए थे, मतलब 4 इन्होंने बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जैसे हमने कहा कि ना विश्व क्या है, दुखों से भरा हुआ है, तो ये 4 बातें क्या क्या? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधात्मक परिपद, ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछे। उसके बाद इन्होंने अष्ट मार्ग दिया था, हो सके एग्जाम में पूछे कि किसने अष्ट मार्ग दिया, जैन या बौद्ध ने, तो याद रखिएगा
किसने दिया था? बौद्ध धर्म ने दिया था। और इनका नाम याद रखिएगा आठों का, कौन कौन सा है? सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, जीवन, व्यायाम और स्मृति, समाधि। ठीक, फिर इसमें 10 सील भी मिलती है। सील मतलब रास्ते, एक तरीके से 10 रास्ते मिलते हैं जो कि हम, और इनके रास्ते को हम मध्यम मार्ग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा कि इनकी भी जब भाई मृत्यु हो गई, ये तो ऐसे मूर्ति पूजा के एकदम विरोधी थे, कट्टर विरोधी थे, और बलि ये सब के बिल्कुल विरोधी थे, ठीक है। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद इनके अनुयायी ने जब इनका अंग, इनके जो समाधि था उसके बाद जब इनका 8 भाग करके जब अलग अलग जगह पे करने लगे, फिर इनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई बुद्ध जी की। तो इनकी मूर्ति जो पूजा थी वो गांधार शाली में थी। लेकिन अगर सबसे पहले पूछे पहला मूर्ति कहाँ मिला था, तो कहाँ मिला था, तो ये आपके मथुरा कला के अंदर मिला था पहला वाला, याद रखिएगा। लेकिन जो फ्लोरिस हुआ वो किस शैली में हुआ था, वो सबसे ज्यादा वो गांधार शैली में हुआ था, ठीक है। और इनकी जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो कहाँ पर है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। हमने अभी महावीर का देखा था, तो उनका कहाँ पे है, कर्नाटक में है। इनका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। इनकी जो मूर्ति है वो 125 फीट ऊंची है, और हिमाचल प्रदेश में ही कहाँ, तो रेवाल सर झील के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि ये पूछा जाता है कि जो इनका घोड़ा था, बुद्ध का घोड़ा, उसका नाम क्या था, तो कथक नाम था इसका। क्या नाम था? कथक। उसके बाद चैत्य जो था, चैत्य क्या होता है, हो सकता है पूछे, तो ये पूजा स्थल था। यानी यहाँ पे जो अनुयायी थे वो क्या करते थे, यहाँ पे जाके साधना करते थे, ध्यान लगाते थे। और बिहार क्या होता था, तो निवास स्थान था, जहाँ पे जो ये भिक्षु कहीं तो रहेंगे, तो कहाँ रहते थे, बिहार में रहते थे, ठीक है। बिहार है ये, बिहार मत समझ जाइएगा, बिहार, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, ये है अशोक का जो रुमिंदेई अभिलेख है, उसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में मालूम है। यानी आपको हमने देखा चाइना का अभिलेख है, वहां से भी हमें मालूम चल रहा है, और अशोक का जो अभिलेख है वहां से भी हम बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये करंट से है कि 2018 के अंदर हमने अगस्त 2018 में इंटरनेशनल बुद्ध समिट मनाया था, कौन से नंबर का, 6वें नंबर का, और ये हर 2 साल में एक बार किया जाता है। यानी 2018 में हो गया, तो 19-20 में होना था, ठीक है, 20 में होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। क्यों? ड्यू टू कोविड की वजह से नहीं हुआ। अब हो सकता है 21 में हो, जब होगा तब से कवर अप करेंगे। इसकी थीम क्या रखी थी, याद रखिएगा, बुद्ध पाथ द लिविंग हेरिटेज। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अब जाने रहो, हो सकता है 21 में हो इसका आयोजन, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा संस्करण था, तो अब 21 में कौन सा होगा, तो 21 में 7वां होगा, ठीक है, ये क्योंकि हर 2 साल में होता है, ठीक। चलिए फटाफट कुछ और देख लिए इम्पोर्टेंट, जैसे कि प्रमुख इनके मुख्य स्तूप समझे ना, जहाँ पे इनकी अस्थियां रखी गई थी, या फिर पूजा के रूप में जो रखा जाता, तो कुछ इम्पोर्टेंट जगह है जो कि इम्पोर्टेंट पूछा, जैसे बरहूत स्तूप कहाँ पे है, आपके एमपी के सतना में है, ठीक है, और ये अशोक ने निर्माण कराया था बरहूत का, और इसका विकास किसने, सुंग काल के द्वारा कराया था। इसमें आकर्षण की बात क्या है, ये पॉलिशिंग लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, और इसमें रेलिंग की डिजाइन है। फिर है नागार्जुन कोंड स्तूप, ये कहाँ पे है, गुंटूर में है, गुंटूर कहाँ पे है, आपके आंध्र प्रदेश के अंदर है, और ये कृष्णा नदी से घिरा हुआ, ये इसकी खासियत है। नेक्स्ट है कौन, सारनाथ स्तूप, जो कि सारनाथ में है, सारनाथ कहाँ पे है, यूपी में, और इसे हम पहले ऋषि पंत के नाम से जानते थे, किसे, सारनाथ स्तूप को, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए कुछ और स्तूप है उसे देखिए, जैसे अमरावती स्तूप, अमरावती नाम तो पता ही होगा, आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल अमरावती है, तो ये अमरावती में है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये खड़ा आयन का स्तंभ है। फिर अब आते हैं कुछ चैत्य, चैत्य मतलब सजर मजर गुहा अभिलेख, जहां पे ये ध्यान लगाते थे, ठीक है, तो याद रखिएगा चैत्य स्तूप और बिहार में अंतर क्या है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब कुछ है जैसे कि मौर्य उत्तर काल से ये गुप्त काल तक विकसित हुआ, और चैत्य क्या होता है, जहाँ पे जो भी अनुयायी थे वो क्या करते थे, ध्यान लगाते थे। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे देख ले, जैसे कि कौन कौन सा है, भाज चैत्य, तो ये कहाँ पे है, ये भोर घाट में है महाराष्ट्र में, जो कि
हीन यान चैत और विहार से संबंधित है। फिर क्या है, कर ले चैत्य जो कि भोरघाट में है, ये भी महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा, ये पता है ये महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद के अंदर। और एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। और ये किसके द्वारा बनाया गया था एलोरा, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था। और इसे 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर एलोरा को 1983 में शामिल किया गया है। फिर है तेर चैत्य जो कि आंध्र प्रदेश में है। और फिर लास्ट है हमारा नासिक, जिसे कि हम पांडु चेड चैत्य के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ भी नया मिले तो प्लीज वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।